तो गाइज आज की जो वीडियो है ये हमारे महिंद्रा वाले जितने मतलब रिक्शे वाले हैं या आप एसीटी या प्याजो का जो भी हैं, यहाँ पे जो हमारे क्या होता है कि इनकी जो चार्जिंग सॉकेट ये ख़राब हो जाती है, ये वाली जो हमारी ई रिक्शे में लगी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो जाती है। अब ये मैकेनिक जैसे हम लोगों के पास से कोरियर से या किसी चीज़ से मंगा लेते हैं लोग, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो फिट करने का, वो फिट सही से नहीं हो पाता है, ठीक है, या फिट करने का तरीका नहीं पता है। और एजेंसी वगैरह पे ये लोग जब जाते हैं क्लाइंट हमारे जो सॉकेट मंगा रखे हो, तो एजेंसी वाले डायरेक्टली कहते हैं हमें नहीं पता, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं जैसे क्लाइंट ने सॉकेट फिट करने को नहीं कहा है, उसका किडनी मांग लिया हो एजेंसी वाले का। मतलब कि कहा है कि उन्होंने सॉकेट फिट करने को कहा, लेकिन एजेंसी वाले को क्या लगा कि भैया किडनी दे दो निकाल कर, और उस प्रकार के रिएक्ट करते हैं। तो ये आज की वीडियो हमारे ये खास ई रिक्शा वालों के लिए है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये वीडियो आपने स्किप किया या मैकेनिक आदमी ने इसको स्किप किया, तो समझ जाइएगा कि रिक्शे वाले का 7 से 10 हज़ार रुपये का आप छोटी सी गलती के चक्कर में नुकसान कर बैठेंगे। और रिक्शे वाले, अगर आप रिक्शे खुद क्लाइंट हैं और इस वीडियो को देखकर सॉकेट फिट कर रहे हैं, तो भाई इस वीडियो को कम से कम एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, जब भी आपका दिल करे उसको देख के उसके बाद इसको फिट करना है, ठीक है। तो एक सॉकेट आया है मेरे पास चेंज करने के लिए, और ये सॉकेट का कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही बुरा हाल है, ये यहाँ से हमारा बहुत ही कंडीशन ख़राब है। तो इसको हमें फिट करना है। सबसे पहले फिट करना क्या है, देखिए, अगर आपका ये रेड वाला वायर, ब्लैक और रेड वाला वायर जो मोटा वायर है, अगर ये कहीं से डैमेज नहीं है, जैसे कि यहाँ से कहीं से डैमेज नहीं है, तो आपको इसकी जो मोटी वाली पिन है, जो ये मोटी वाली पिन है ये वाली, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका वही चलेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये वायर बिल्कुल डैमेज है, कई जगह से ये बेकार हो रखा है, मतलब कि बुरा हाल है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा पीने के इसका पिन निकालने का भी तरीका बताऊंगा कि पुरानी पिन को कैसे यूज में लेना है या नया पिन कैसे लगाना है। ये टोटल वीडियो है सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोग वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अब कई मैकेनिक भाई हमसे बोलेंगे कि सर आप मैकेनिक को बेरोज़गारी कर रहे हैं या सारा काम आप ख़राब कर रहे हैं। तो भाई मैकेनिक के लिए काम ख़राब तो नहीं है, क्योंकि ये मुझे पता है कि 85% मैकेनिकों को भी फिट करने का तरीका नहीं पता है इसका, तो इसलिए ये मैकेनिक भी वीडियो पूरा देखेंगे, इस ये तो मुझे पता है। तो सबसे पहले प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, काट देंगे, क्योंकि बेकार है, ठीक है। देखिए यहाँ से काट दिया, और लाल और काले को काट देंगे, ठीक है। ये हमने काट दिया सॉकेट को, अब इसको हमने थोड़ा सा फाड़ना है इसको, ठीक है। इसको फाड़ के हमें इसको यहाँ से चाकू से फाड़ लेना है, देखिएगा पूरा आप ध्यान से देख लीजिए। अभी ये वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका मान के चलिए कि लाल और काला जैसे तार सॉकेट सही है, तो उसमें पिन को कैसे निकालेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले इसको फाड़ लेते हैं, इसको देखिए मैं काट लेता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन बिल्कुल कंटेंट से भरा हुआ होगा, बिल्कुल आपके यूज में होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये जो है जो प्लस माइनस जो तार है, देखिएगा ध्यान से, ये प्लस माइनस जो तार है, ये हमारा ये वाला जो तार है काला, जो देखिए दो प्लस माइनस मोटा है, दो पतला है, हो सकता है आपके में चार हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको चार है तो एक एक तार को आपको ध्यान से ही लगाना है, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बारीकी से सब बताऊंगा। सबसे पहले इसको काटना कैसे है, क्योंकि ये पिन एक बार पंच होने के बाद दोबारा यूज नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए अब ये जो प्लस माइनस का जो तार है, देखिए प्लस माइनस दो तो मोटा हो गया और दो हमारा पतला हो गया, ये वाला, अब इसको
जब हम क्लिपिंग इस मोटे वाले तार क्लिप को क्लिप कर लेंगे तो ये जो प्लस माइनस तार है, मतलब कि हमें इतना इसको रखना है कि इसको देखिए हमें इतना पे रखना है, ये इसका ऊपर का सिरा और पतले तार का सिरा इतना पे रखना है, तो मुझे इतना पे इसको काटना है। मतलब कि पतला वाला थोड़ा सा बड़ा हो, मोटा वाला थोड़ा सा हल्का सा छोटा भी होगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मोटा वाला नहीं टूटेगा, लेकिन पतला वाला अगर छोटा होगा तो जल्दी टूट जाएगा। मतलब देखिए किस प्रकार से, नॉर्मली देखिए ये यहाँ पे इतना सुराख है, ये इतना बैठेगा, देखिए ये इतना कट लगा हुआ है, इतना इतना कट है तो इतना जाके बैठेगा, है ना। अब देखिए इसके बराबर में मैंने रखा पतला वाला, देखिए रखा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर आप पतला वाला अगर छोटा हो जाएगा तो खींच कर टूट जाएगा, लेकिन मोटा वाला हमारा नहीं टूटेगा। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले तो हमने निकाल दिया है, इसको निकालने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले ये जो पुराना सॉकेट है इसको निकालने का तरीका कैसे है, तो सबसे पहले हमें ये दोनों पेज को खोलना है जो इसके नट लगे हैं। ये काफ़ी हार्ड खुलते हैं, टाइट खुलते हैं, और ध्यान से खोलना है क्योंकि इसके चक्कर में हाथ वगैरह पे भी चोट काफ़ी लग जाती है, क्योंकि हम लोगों को लग जाती है तो नए आदमी को भी लगेगी ज़रूर। देखिए इसको खोल लेते हैं, देखिए ये पेज हमने खोल दिया, अब दूसरा वाला पेज को भी हमने खोल लेना है। इस वीडियो को अगर आप सही से देखेंगे तो एक छोटा सा बच्चा जो 10 साल या 12 साल का थोड़ा सा उसका दिमाग काम करेगा तो भी वो फिट कर लेगा। देखिए निकाल लिए। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज भरा काम क्या होता है, इस पत्ती को निकालना। तो देखिए इस पत्ती को निकालने के लिए हमें इस पत्ती को निकालने के लिए अगर आप अंदर से देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक पत्ती दिखाई देगी। देखिए इसके अंदर ये पिन दिखाई देगा और इस पिन के नीचे एक पत्ती दिखाई देगा। देखिए मैंने पेचकस लगाया और यहाँ पर एक पत्ती है, उस पत्ती को दाबना है नीचे पूरी तरह से और उसके बाद इसको खींच लेना है। देखिए खींच लिया। अब ऐसे क्या है देखिए, और लगाने का तरीका समझिए, निकलना और लगाने के लिए देखिए ये जो कट एक तरह से तो ये ऊपर से चपटा है, देखिए ऐसे करके, लेकिन ये नीचे वाला जो है देखिएगा यहाँ पर आपको एक पत्ती दिखाई देगा अंदर। देखिए ऐसे करके ये पत्ती ऐसे करके लगाना है, देखिए ऐसे करके, मतलब कि ये चपटा वाला पिन आपको ये माइनस जिस साइड लिखा है यहाँ पर ऊपर के साइड में, देखिए ऐसे करके सीधा लगाना है, ऐसे करके। देखिए ये देखिए आपको पत्ती दिखाई दे रहा होगा, देखिए दिखाई दे रहा ये पत्ती, देखिए मैं निकाल रहा हूँ, देखिए आपको अब नहीं दिखा, देखिए दिखाई दे रहा है पत्ती अंदर, ये ऐसे करके पूरा बैठ जाएगा, देखिए बैठ गया। उल्टा लगाएंगे तो नहीं लगेगा, और उसी पत्ती को किनारे से दाबना है नीचे की तरफ और इसको देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए निकल गया, फिर से प्लस वाले को भी देखिए मैंने ऐसे निकालना है, देखिए देखिए निकल गया। अब ये ध्यान देना है कि अगर ये प्लस वाला तार आपका कहीं से टूट, जैसे इसका तो खराब था तब तो हमने काटा, नहीं तो नहीं बदलना है, इसको पिन को नहीं बदलना है। भले यहाँ से चटक गया है तो हल्का सा टेप मार दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए लगाने का तरीका देखिएगा, इसमें नए वाले सॉकेट में देखिए क्या है, अगर आप लोग को ध्यान से देखेंगे, मैं इसके नीचे से पेचकस लगाता हूँ, देखेंगे तो देखिए आपको एक पत्ती दिखाई दे रहा है, देखिए ये देखिए इसके अंदर, देखिए आपको शायद मैं दिखा, देखिए इसके अंदर एक पत्ती दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये दिखाई दे रहा है, देखिए हिल रहा है पत्ती, इसी पत्ती में जाके बैठता है। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, माइनस आपका लगा है यहाँ पर और माइनस पे माइनस, मैंने बताया आपको ऐसे करके, ये जो ऊपर से टेपर है देखिए, नीचे से लॉक है, नीचे से लॉक बना है वो आपके नीचे, देखिए ऐसे लगाकर ऐसे लगा देंगे, बैठ गया देखिए। और सबसे मेन चीज़ है, कई बार क्लाइंट मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं सर सॉकेट तो आपका बैठ नहीं रहा है। अब देखिए अगर इसमें ये मोटा वाला पिन नहीं लगाएंगे तब तक ये एक दूसरे सॉकेट के साथ ये बैठेगा भी नहीं, क्योंकि ये पत्ती रोकती है, पत्ती को ये पत्ती जो है पूरी तरह से बैठने नहीं देता है। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ये पतले वाले पिन को है कैसे है। कई आदमी क्या करता है मैकेनिक, जैसे कि हमारे रिक्शे वाले भाई हैं, उसको क्या करते हैं एल्फी डाल देते हैं। अगर एल्फी डाल दी है तो चारों के चारों पिन बदलना पड़ेगा। इसको निकालने का तरीका क्या है कि देखिए बीड़ी बूड़ी तो आप लोग नहीं पीते होंगे, जरने लेटर ले लीजिए, लेटर से आपको इस एरिया को गर्म करना है, इस एरिया को यहाँ पर जहाँ पर पतला वाला पिन है, ये टोटल को लेटर है या गैस चूल्हा है उससे आपको क्या करना है गर्म करना है। तो देखिए ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे तो अब साफ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो पत्ती होती है, अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, देखिए दो पीने आपकी इधर को है और दो पीने इसके अंदर है। सबसे पहले आपको फोटो ले लेना है कि कौन सी पीन कहाँ पे लगी है, उल्टी नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान देना है यहाँ पर देखेंगे तो दो पीनों का तो आपस में जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, लेकिन दो पीने हमारी जो है वो सीधा आपकी गाड़ी में लगा हो सकता है या चार्जर में लग सकता है। देखेंगे तो देखिए जो पतला वाला है वो भी उसका निशान देखिए, ये जो पतला वाला है वो भी प्लस साइड है, जैसे प्लस प्लस साइड है, माइनस माइनस साइड है, ऊपर साइड में देखिए, ऊपर साइड में होती है, ठीक है, ऊपर साइड में आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि गाड़ी का अलग होगा चार्जर का अलग होगा, ये ध्यान दीजिएगा, आपको अपना देखना होगा ये बिल्कुल ध्यान से, उल्टा नहीं करना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है कि अगर लाइटर है तो लाइटर से ऐसे नीचे से आप गर्म करके निकाल लीजिए। मैं इसको निकालने के तरीके के लिए मैं असेंबली मशीन का यूज कर रहा हूँ, और आप लोग चाहें तो लाइटर वगैरह से यूज कर ले, गैस चूल्हा यूज कर लें, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देख लिया है, देखिए ऊपर वाला जो पिन है, ऊपर वाला ये जो देखिए, इसमें सुराख चार है, तो भाई दो सुराख तो नीचे हैं, दो सुराख आपके ऊपर हैं, तो ऊपर वाले में देखिए हमें ये पिन ना, ऊपर वाले में प्लस वाला प्लस है और माइनस वाले पे माइनस है, और नीचे वाले पे दोनों तार आपस में एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है। तो इसको निकालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए इसको हीट देना है। देखिए अब आप लोगों के लिए देखिए सॉकेट बिल्कुल ओके है, सॉकेट ख़राब नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के प्यार के चक्कर में ये सॉकेट मुझे कुर्बान करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसको देखिए मैं गर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये सरफेस एरिया गर्म कर रहा हूँ, देखिए ये वाला पूरा, आप लाइटर से कर सकते हैं, गैस चूल्हे पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले गर्म कर लीजिए पूरा दोनों अच्छे से, जब ये पिघलने लग जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ख़राब तो है ही है। देखिए पूरा पिघलने लग जाएगा, देखिए इसको खींचा मैंने तो एक पिन निकल गया मेरा, देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे जादू नहीं करा, दूसरे वाले को भी देखिए गर्म कर रहा हूँ। देखिए गरम किया मैंने, और इसको पकड़ के सिर्फ क्या करूँगा मैं, देखिए खींच दूँगा। गरम करने के बाद जब हम इसको खींचेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए इधर से ये वाला दो तार बचा है, तो अब इसको इधर से गरम करेंगे। देखिए देखिए मैंने गरम किया, और गरम करने के बाद हमें इसको क्या कर लेना है, खींच लेना है। देखिए नहीं निकल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा और गरम करेंगे इसको, गरम हम इतना कर देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि बेकार तो है ही है ये। और गरम कर लेता हूँ, देखिए मैं गरम कर रहा हूँ, और इसको देखिए मैं खींच लिया, देखिए ये देखिए निकल गया, दोनों के दोनों पिने, यहाँ से ये तार कमज़ोर था इसलिए टूट गया, देखिए ये निकल गया पूरा, देखिए सही से निकल गया। देखिए अभी निकलने के बाद हमारा काम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये सॉकेट बेकार हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको लगाने के लिए अब तरीका समझिए, लगाने का कॉन्सेप्ट इसका बहुत अलग है और इसको ही बारीकी से समझना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए ये दो तार हमारे पास काले थे, अब इसका देखिए जो ये पतले वाले पिन है, ये पतले वाले जो पिन है उसमें देखेंगे तो आपको एक मनके टाइप का दिखाई देगा, देखिए लॉक टाइप का, देखिए ऐसा, ये देखिए लॉक, ये देखिए ये घूम रहा है, ये लॉक आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये ठीक होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ठीक है, ये लॉक आपकी इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी में मिलेगा आपको, देखिए ठीक है।
अब इसको हमें सबसे पहले लगाना है। तो देखिए प्लस वाला, प्लस और माइनस तो हमारा ऊपर लगा था, तो इसको नीचे वाले में डालना है। देखिए इसको बोला जाता है फीमेल पिन। फीमेल पिन मतलब देखिए ये जो पिन है, ये देखिए ये वाला पिन जो है मेल है और ये वाला पिन जो है फीमेल है। तो पहले फीमेल वाले पिन को हमें फिट करना है, डायरेक्टली इसके अंदर लगाना है। और इसके लिए आपको एक सामान लेना है, इस टाइप का एक आपको तार का रॉड टाइप का लेना है ऐसा, ये देखिए इसके ऐसे। अब ये आप लोगों को इतना पतला नहीं होगा, लेकिन आप लोग सुई ले सकते हैं, मोटा वाला जो सुई होती है, जैसे हम लोग जैसे पहले गुदरी वगैरह गुदरा वगैरह सोया सिया जाता था, वो हार्ड होता था, तो उसकी पिछवाड़े का उसका जो पीछे का जो टोपी होती है, जो धागा होता है उसको डालने का, वहाँ से काट लीजिए। और उसके बाद इसको लगाने के बाद देखिए इसको लगा देना है, और लगाने के बाद देखिए इसमें क्या करना, सीधा लगाना है, और इसको लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, दबा देना है पूरा टाइट लगा के ज़ोर से। अब ये देखिए क्या हो गया, लॉक हो गया, देखिए अंदर लॉक हो गया। अब ये निकलेगा नहीं, जब ये एक बार लॉक हो गया ना तो उसके बाद ये सॉकेट ख़राब होगा तभी निकलेगा, दोबारा ये नहीं निकलेगा। देखिए इसको भी लगा देता हूँ, और कई बार ये क्या होता है नहीं बैठता है, तो नहीं बैठता है तो उसकी कंडीशन में क्या करना है, जैसे ये सुई लिया, अब इसको मैंने यहाँ पर रखा, और कई बार क्या होता है तो नहीं बैठता, तो देखिए पिलास से पकड़ के और आपको ऐसे करके बस सीधा मार देना इसके ऊपर पिलास को दबा के, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जाके लॉक हो जाएगा। देखिए दोनों लॉक हो जाएगा, अभी इसको जितना मर्जी खींचेंगे निकलेगा नहीं। देखिए थोड़ा सा हिला लीजिए, ये देखिए हो गया, दो पिनें हमारी लग चुकी हैं। देखिए अब बाकी दो बची हुई हैं, तो इस पिन को तो हमें यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ये पहले इसको यहाँ से टूट गया है, इसको पोलियो हो गया हुआ है, तो इसको यूज़ नहीं लेना है, हमें नया पिन लगाना है। और मोटे वाले पिन को भी डायरेक्टली आपको क्या करना है, सेम इसी तरीके से आपको ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, प्लस वाले प्लस में लगा के ऐसे, अभी मैं दबा दूंगा तो ये लॉक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, भाई पैसा तो मैं ख़राब नहीं करूंगा, 450 रुपए का है। और इसको जब लगाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा ये प्लस वाले को, ये प्लस वाला है, प्लस वाले को प्लस में लगा के देखिए क्या कर देना है, दबा देना है। देखिए ये हो गया लॉक, ये नहीं निकलेगा, लॉक हो गया। और माइनस वाले पे माइनस को देखिए हो गया, ये आपकी महिंद्रा टीरो की चार्जिंग सेटिंग जो सॉकेट है वो तैयार हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें मोटा वाला लगाना है, तो पहले इसको दोबारा से हम निकाल देते हैं। देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है ये, ठीक है, देखिए निकल गया। अब इसको बैठ जाइए, तार जो है मैं इसमें मोटा वाला तार लगाता हूँ पहले, जिसको हमें पंचिंग कर लेता हूँ इसकी, क्योंकि ये तार हमें नया डालना था, तो भाई इसको वायर कटर से पहले काटना पड़ेगा हमें, ठीक। पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए ये हो गया। इसके बाद आपको डायरेक्टली इसमें डाल देना है इसको, अब इसमें क्या होता है, कई बार आपका ये सॉकेट में तार क्या होता है ज़्यादा होता है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, दो चार अगर दस तार निकाल के भी लगाना पड़ रहा है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अक्सर ऐसा होता है कि इसमें तार थोड़ी कम आता है, ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ, लेकिन नुकसान डरना नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए कोशिश करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा तार इसमें आपका फिट हो जाए। देखिए यहाँ देखिए, देखिए बैठ गया था लेकिन निकल गया हो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बैठा लूँगा, सीधा रखिए, ऐंठना नहीं है इसको, ऐंठेंगे तो फिर तार कम जाएगा इसमें। देखिए इसमें देखिए देखिए बैठ गया, बैठने पर बैठ गया। अब इसको क्या करना है, पिलास से हमें पंच कर देना है। देखिए इसको पिलास से पंच कर दीजिए, या सीधा इसको नीचे हथौड़ी रख के उससे दबा दीजिए, हथौड़ी से दोनों तरफ से हथौड़ी से दबा दीजिए। देखिए इसको बहुत मजबूती से दबाना पड़ेगा, तो इसको पिलास से नहीं दब रहा है तो नीचे हथौड़ी रख लीजिए और ऊपर से एक हथौड़ी से इसको पंच कर दीजिए, क्योंकि जगह बहुत होता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों को क्या कर लेता हूँ, पहले इसको भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं छील लेता हूँ। देखिए इसको भी छील लेते हैं, अब इतना मोटा तो जाएगा नहीं मुझे को पता है, तो भाई हम इसको सिर्फ इतना लेंगे जितना इसमें आराम से इस पिन के अंदर चला जाए। पिन हमें दो लगानी थी मोटी वाली,
देखेंगे तो यहाँ पर ये तार है, क्योंकि इसमें तार काफ़ी ज़्यादा होती है तो हमें कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा तार हो जाए। देखिए, देख रहे हैं, देखिए बैठ गया, ठीक है। अब इसको मैं हथौड़ी से रख के इसको पंच करके फिर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसको पंच करके लाता हूँ फिर आगे एक बार दिखा देता हूँ। इसके बाद ये फालतू जो तारे हैं इसकी आपको क्या करना है, देखिए मैंने नीचे से क्या हथौड़ी रखा और ऊपर से हथौड़ी से क्या कर दिया, पंच कर दिया। अब ये फालतू तारे जो हैं इसको क्या करना है, हमें काट के निकाल देना है। देखिए इसको, ठीक है, काट के निकाल दीजिए। और काट के निकालने के बाद आराम से आप इसके ऊपर टेप लगा दीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि देखने में खूबसूरत लगेगा, पूरा तार नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये लगा, निकाल दिया हमने, हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने टेप मार देना है हल्का हल्का, ये देखिए काले वाले पे हल्का सा टेप मार देना है, ये देखिए इतना पे हो गया। ये देखिए एक टेप मार दिया, दूसरे पे दूसरा मार, खींचने से नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने उसको पंच अच्छे से कर देना है हम लोगों को। देखिए एक टेप और ये दूसरा टेप, देखिए हो गया बिल्कुल। देखिए कितना भी मर्जी निकाल लीजिए नहीं निकलेगा, देखिए ठीक है। उसके बाद सेम इसको सोल्ड कर देना है, प्लस वाले को प्लस में, माइनस वाले को माइनस में। तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो ये मोटा वाला देखिए हमने बिल्कुल बेहतरीन करके बना दिया इसको। अभी हमने पंच किया नीचे से हथौड़ी डाल के और ऊपर से हथौड़ी से इसको पंच दबा दिया। प्लास से नहीं दबेगा क्योंकि काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी होती है इसकी क्वालिटी, 35 एम्पियर का इसका जो होती है लोड होता है, लोड कैपेसिटी। अब सेम क्या करना है, देखिए ये जो मेल वाली पिन थी, अब हम इसका ये पिन को यूज़ नहीं करना है, हमें नया पिन को यूज करना है। तो मैं नया पिन यहाँ से निकाल रहा हूँ, आपको देख लेना है पहले ही कि आपका पिन कौन सा ख़राब है। पिन आपको ऐसे नहीं चेंज करना है क्योंकि पिन चेंज करने में काफ़ी, ये पतली वाली पिन चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। तो इसको हमें लगाना है, अभी देख लीजिए किस तरीके से मैंने लगाना है। जो ये पूरी तरह से कंप्लीट, जैसे ये पूरी तरह से मैंने कंप्लीट बैठा लिया है, इसको बैठाने के बाद देखिए प्लस और माइनस मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ये इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आप यहाँ पर छोटा इसको लगा रहे हैं, जैसे अगर ये छोटा यहाँ पर ये छोटा हो रहा है, जैसे लाल वाला तार पतला वाला छोटा हो गया और ये सॉकेट के अंदर हम फिट करेंगे, तो क्या होगा कि जोड़ हमारा किस पे जाएगा, इस पे, पतले वाले पे। मोटा वाला तो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन अगर पतले वाले पे जोड़ पड़ेगा तो ये तुरंत टूट जाएगा और आपका सारा ये पैसा सॉकेट का बेकार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हमें प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे से छील लेना है। और इसको मैं देखिए इतना छील रहा हूँ, अगर आप मैकेनिक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने आप इसको कर सकते हैं, तो अच्छी तरीके से करना होगा आपको। और इसमें कोई भी पिन आपका जो नो फीमेल है उसमें कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपको इसमें हल्का सा अंदर आपको एक सुराख दिखाई देगा पतला वाला, इसमें हल्का सा मुझे पेस्ट लगाना है, कोई भी एक पेस्ट लगाना है, क्योंकि इसको पंच नहीं करना है, इसको सोल्ड करना है। सबसे पहले देखिए मैंने पेस्ट लगा लिया इसमें, आप इसको प्रॉपर तरीके से फिट कहीं कर लीजिए, मेरे पास तो ये मैट है, एक ही बार में फिट हो जाएगा। और देखिए एक सोल्डर मैंने लिया, इसके अंदर सोल्डर करना है हमें, देखिए सोल्डर कर दिया। अब इसमें किसी भी पिन में, एक में लाल कर दो किसी में माइनस कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, कोई चाचा नहीं है कोई भैया नहीं है, जैसा आपका दिल करे वैसे कर लो। ये हमारा हो गया एक तार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, देखिए ये मैंने सोल्ड कर दिया। अब सोल्डर करते समय भी क्या ध्यान देना है, ये ध्यान दीजिएगा कि एक लिमिट मात्रा में ही सोल्डर लगाना है, ये सोल्डर इसके बाहर वाली परत पे नहीं आनी चाहिए, ये बाहर, मतलब अगर बाहर आपका सोल्डर आ जाएगा तो ये क्या होगा, फिट को होने में दिक्कत करेगा, क्योंकि गैपिंग इसको बिल्कुल, जो इसके अंदर पिन है ये पिन बिल्कुल लिमिट के हिसाब से इसके अंदर होल है। सेम इसको भी मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ तुरंत ही, एक पिन शायद निकाला नहीं था मैंने, कोई बात नहीं, निकाला था या नहीं, शायद नहीं निकाला था,
छोटा वाला निकाला था वो। इसको भी हमें प्रॉपर तरीके से सोल्ड कर देना है। ठीक है, पेस्ट लगा लिया, थोड़ा सा पहले सोल्डर भर लेना है। अगर इसके ऊपर आपका सोल्डर निकल जाता है तो आपको ग्राइंडर से घिसना पड़ेगा, बहुत आराम से, सावधानी से। देखिए, बस ये हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर तरीके से इसको खींच के देख लीजिए, क्योंकि लगने के बाद कोई इलाज नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से जितनी आपकी हाथों में ताकत है थोड़ा बहुत इसको खींच लीजिए। बस अब इसको मैं फिट कर देता हूँ और आपका काम ख़त्म। देखिए प्लस की तरफ, देखिए मैं दोबारा से एक बार खींच लिया, चूक होने की गलती नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्लस की जगह प्लस और सीधा, बस वही कॉन्सेप्ट है भाई। पिन लगाना है और इसको क्या कर देना है, दबा देना है। अगर ऐसे नहीं बैठ रहा है तो मैंने अभी बताया था दूसरा तरीका, प्लास से पकड़ो और इसके ऊपर किसी चीज़ से ठोक दो। देखिए पूरी जब अंदर जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं। देखिए एक हो गया और ये सॉकेट आपके सामने, मैंने क्या हुआ देखते देखते आपको सामने मैंने इसको तैयार कर दिया। देखिए इस तरीके से, देखिए बस हो गया। और ये देखिए अब हमारा प्लस माइनस बिल्कुल प्रॉपर बैठ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए ये प्लस की तरफ प्लस, ठीक है। अब इतना ये छोटे से वीडियो के चक्कर में आप अपने 1500 से 2000 रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एजेंसी वाले बहुत इस टाइम बुरा हाल कर रखे हैं। देखिए ये भी हो गया और माइनस की तरफ आराम से इसको माइनस की तरफ माइनस, देखिए हो गया। ये देखिए अब ये यहाँ पे ये लंबा तार है, तो देखिए लंबा है तो ये टूटेगा नहीं। अब ये देखिए प्रॉपर तरीके से बाद में इसकी पत्ती लगा के टाइट कर देंगे और ये सॉकेट हमारी तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।